गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहचान, इस टेंस की पहचान है हिंदी का कोई भी सेंटेंस है उसके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आते हैं, इतना तो रूल सही, लेकिन सबसे जरूरी है समय होना। ठीक है, आदि आने के साथ सबसे जरूरी है समय। समय अपना निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। बढ़ते इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, हैव, बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आई एल जी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान जोड़िए की बात है कि इसमें समय, ठीक है, समय के बारे में निश्चित हो तो सेंस का प्रयोग, अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग। तो वाक्य शुरू करने से पहले हम देखते हैं समय निश्चित और अनिश्चित कैसे, तो एक बार इसकी जानकारी करते हैं। जैसे सुबह है, 12 बजे है, 2010 है, ये ऐसे समय जो निश्चित है, किसी निश्चित समय को दर्शाते हैं, तो ऐसे शब्दों को निश्चित समय कहते हैं। और जब इनका प्रयोग इस टेंस में होगा तो सेंस का प्रयोग होगा समय से पहले। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे वह कई घंटों से पढ़ रहा है, वह कई वर्षों से बाड़मेर में रह रहा है, वह कई महीनों से खेत में काम कर रहा है, कई महीने, कुछ घंटे या कई वर्ष, ये ऐसे समय है जिनको अनिश्चित कहते हैं। अतः इनका जब प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग करेंगे। अब लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब इसका इंग्लिश सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्रीपोजिशन प्लेस, उसके बाद प्रीपोजिशन टाइम। स्टूडेंट ध्यान रखना, इंग्लिश का जब भी सेंटेंस होगा स्थान और समय अगर दोनों दिए हुए तो सबसे पहले स्थान लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में समय दिया जाएगा। मतलब स्थान को हमें समय से पहले दर्शाना है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, राम 12 बजे से, राम 12 बजे से गाना गा रहा होगा। तो अपनी पहचान देखते हैं, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी में से आ रहा है, तो यहाँ देखा हमने रहा होगा आ रहा है, लेकिन जरूरी क्या था, समय तो इस वाक्य में दिया हुआ है 12 बजे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब हम बदलते हैं इसको अफर्मेटिव में, राम विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स 12 बजे सिंस 12 o'clock। नेगेटिव हो जाएगा इसका, राम विल नॉट हैव been
सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 12 o'clock. इसी को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं. विल हैव और बीन है अपनी हेल्प में अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ विल है वो आगे आएगा. विल राम हैव बीन सिंगिंग songs since 12 o'clock. Question mark. और इसके उदाहरण देखते हैं. एक और उदाहरण है. आयल कुछ घंटों से पुस्तक पढ़ रही होगी. अफर्मेटिव हो जाएगा इसका. आयल विल हैव बीन रीडिंग अ बुक. चूंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है कुछ घंटे. कुछ घंटे होते अनिश्चित इसलिए फॉर का प्रयोग. फॉर few hours. Negative बदलेंगे. While will not have been reading a book for few hours. इंट्रोगेटिव में बदलते हैं. विल फाइल हैव बीन रीडिंग अ बुक for few words. Question mark. एक और उदाहरण देखते हैं. हम सुबह से नदी में तैर रहे होंगे. इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं. हम के लिए आ जाएगा वी सेल हैव बीन स्विमिंग इन द नदी में रिवर सिंस मॉर्निंग. बदलते हैं इसको नेगेटिव में. वी शैल नॉट हैव बीन
स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग. इसी को हम इंट्रोगेटिव में बदलते हैं. आ जाएगा शैल वाक्य के प्रारंभ में. शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग. क्वेश्चन मार्क. एक बार वापस देखते हैं. आज हमने टेंस किया है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसकी पहचान है हिंदी का सेंटेंस हो उसके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इन तीनों में से कोई आएगा. हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है. सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो उनके साथ में शैल हैव बीन और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा. एक बार देखते हैं वाक्य. जैसे उदाहरण है पायल कुछ घंटों से पुस्तक पढ़ रही होगी. इस टेंस में ये एक स्पेशलिटी है समय के लिए. समय अपना अगर निश्चित है तो उससे पहले प्रीपोजिशन के रूप में हम सेंस का प्रयोग करेंगे, और समय अपना अनिश्चित है तो हम प्रीपोजिशन के रूप में फॉर का प्रयोग करेंगे. देखते हैं सेंटेंस. पायल कुछ घंटों से पुस्तक पढ़ रही होगी. पायल विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर फ्यू आवर्स. यहाँ पर कुछ घंटे से अनिश्चित, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया. नेगेटिव में बोलेंगे तो ध्यान दो विल हो तो विल के बाद, सेल हो तो सेल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे. हैव बीन है वो अपनी जगह रहेंगे, बाकी सेंटेंस है वो सेम टू सेम. इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो विल हैव बीन है उनमें से विल उसको वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है हैव बीन वो लिखा जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी सब सेम टू सेम सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए. हम सुबह से नदी में तैर रहे होंगे. हम के लिए आ गया वी, चूंकि रूल से आई और वी के साथ में सेल हैव बीन का प्रयोग होता है, इसलिए हमने वी के साथ में सेल हैव बीन का प्रयोग किया है. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और ये मॉर्निंग सुबह निश्चित है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन के रूप में सेंस का प्रयोग किया है. नेगेटिव में हम बदला इस वाक्य को तो देखिए नॉट का प्रयोग है उस सेल के जस्ट बाद में किया है. हैव बीन है वो अपनी जगह ही रहा है, बाकी सेंटेंस है सेम टू सेम है. इंट्रोगेटिव में जब हमने बदला तो सेल हैव बीन का जो फर्स्ट वर्ड है सेल हैव बीन का सेल उसको हमने वाक्य के स्टार्ट में लिखा वी मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो आज की क्लास में हमने टेंस के बारे में पढ़ा और गत कई क्लासों में हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे. आज इस चैप्टर को विराम देते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी. तब तक के लिए धन्यवाद.